subscribe now and press the bell icon never miss an update a very good morning to all of you welcome to mahindra's official youtube channel it's 7.30am in the morning and the time for the hindu editorial analysis session everyone a very good morning and a very happy eid ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद वेरी वेरी ऑन द फेस्टिवल ऑफ ईद दैट ऑस्पीशियस फेस्टिवल आप सबको मुबारक हो सेलिब्रेट करिए इंजॉय करिए खुशियां मनाइए द फेस्टिवल ऑफ लाइथिंग एंड सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा इंजॉय करिए दैट इज ऑल द फ्रॉम द फैमिली ऑफ महिंद्राज एंड फ्रॉम माई साइड एज वेल वेरी गुड मॉर्निंग मैं हूं आपकी इंग्लिश मेटोर गाइड ऋषिका महिंद्रा और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ इन द सेशन ऑफ द हिंदू ऑडिटोरियल एनालिसिस आज की बात करें तो इट्स ट्वेंटी सेकेंड एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग बैंक एस एस यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कवर करते हैं हम तीन मेजर आस्पेक्ट वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और उसके साथ साथ आपकी जनरल अवेयरनेस भी बूस्ट हो जाती है दस इट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें शेयर दिस वीडियो द मोस्ट ताकि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए फॉर दिस रियली इंपॉर्टेंट सेशन एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन विद्यूटिफुल मॉर्निंग थॉट विथ सेस दैप्पीस्ट पीपल डोंट है बेस्ट ऑफ एवरी थिंग दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा खुश इंसान वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है आप दुनिया में आसपास देखिए आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है बहुत ज्यादा रिच हैं, वो लोग काफी ज्यादा स्टेबल हैं, वो सबसे ज्यादा खुश हैं बट ऐसा नहीं है खुश वो इंसान है जो जो हर चीज में बेहतर ढूंढना जानता जानता है, जो जानता है ये कि क्या एफर्ट्स हमें करने चाहिए और छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए नो मैटर हाउ लेस एंड हाउ मोर यू हैव इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता यही कहीं ना कहीं आपको भी लाइफ में होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए चिल हो जाए लेकिन सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज है जो कुछ हद तक होनी चाहिए ईगरनेस होनी चाहिए अपने गोल अपने एम को अचीव करने के लिए कुछ बेहतर करने के लिए लेकिन कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जितना हमें मिला है वो बहुत है और उसके लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए तो इस मॉर्निंग मोटिवेशन थॉट के साथ बढ़ते हम आगे विद द हिंदू एडिटोरियल वैकैबली जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे वर्ड उसके बाद करेंगे बहुत सारे क्विज क्वेश्चन भी बट उससे पहले बात करेंगे हम आज के आर्टिकल के बारे में अगर मैं आज के आर्टिकल की बात करूं तो आज हम आर्टिकल जो पढ़ने वाले हैं दैट इज समिंग रिलेटेड टू द रशिया एंड इंडियन रिलेशनशिप है ना अब ऐसी आदत हो गई है कि जब भी रशिया बोलो तो ऐसा लगता है कि आगे क्या आएगा आगे यूक्रेन की ही बात की जा रही होगी मॉस्को बोलो तो क्यू की बात की जा रही होगी है ना ऐसा ही उम्मीद करते हैं लेकिन आज हम जिन रिलेशनशिप्स की बात करने वाले हैं वो रशिया इंडिया है अगर आपको याद हो तो इससे कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी इंडिया और यूक्रेन के रिश्तों के बारे में जब यूक्रेन की जो मिनिस्टर थी वो पहली बार इंडिया आई थी आफ्टर वॉर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिया आया हो ये पहली बार हुआ था और उन्होंने काफी सारी स्पीच दी थी कि इंडिया के जैसे भी रिश्ते हैं रशिया के साथ वो एक अच्छा रिश्ता यूक्रेन एक अच्छा रिश्ता इंडिया के साथ स्टैब्लिश करना चाहता है और कहीं ना कहीं अगर पीस मेकिंग में वो आगे आना चाहे तो वो भी आ सकता है और चाइना और ब्राजील ने भी यही कहा था कि हम भी सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं पीस मेकिंग की ट्रीटी को तो ये सारी बातें हुई थी अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया इंडिया ने क्लियरली ये बात कही थी कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो क्यों रशिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं क्योंकि हमारा बहुत सारा बिजनेस आता है वहां से ऑयल की बात करें बाकी एक्सपोर्टेशन की बात करें इम्पोर्ट्स की बात करें तो वो बहुत सारे बिजनेस टाइप हैं और बहुत पुराना रिश्ता है इंडिया का रशिया के साथ उसके साथ साथ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ते भी हैं तो उस सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से इंडिया ने कहा था कि मैं क्लियरली रशिया के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा ये बात हो गई अब यहाँ पे जो हम बात करें यहाँ बात करेंगे हम आज कि रशिया की जो मिनिस्ट्री है वो इंडिया आई और उसके बाद बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ क्या क्या बेनिफिट्स हुए क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ वेस्टर्न सैंक्शन की बात करेंगे जो पेनल्टी लगी है कहीं ना कहीं रशिया पे बाय यू एस एंड अदर कंट्रीज है ना जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है और कैसे इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है कैसे रशिया की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की हेल्प लेना चाहता है कहीं ना कहीं इंडिया को एज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर देखता है एज चाइना को भी वो इम्पोर्टेंट पार्टनर देखता है इस बारे में आज हम पूरा आर्टिकल कहेंगे तो आर्टिकल का डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बट पहले बढ़ते हैं हमारी आज की द हिंदू की एटोरियल वो पे एंड द फर्स्ट वर्ड गोज बाय हियर व्हिच इज सम वेंट एक्शन की बात हो रही है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा वर्ब तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सर वेंट इसके मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग स्पेशली क्लेवरली और by डिसीविंग किसी चीज को क्या करना किसी चीज को कहते हैं ना बच के निकल जाना किसी चीज से डॉज करना किसी चीज को अवॉइड कर देना कैसे चतुराई से है ना चालाकी से चतुराई से कैसे भी उस जगह से उस सिचुएशन से स्केप कर जाना बच के निकल जाना इस कॉल सर्कमेंट क्लियर समझ आ गया सभी को चलो इसके स्विण की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा किसी सिचुएशन को क्या कर देना अवॉइड कर देना इवेसिव होना इवेट कर देना बच कर निकल जाना उस सिचुएशन से स्केप कर जाना या उस सिचुएशन को डॉच करना डॉच करने का मतलब है बच के निकलना फॉर एग्जाम्पल कोई आप अटैक करे तो आप क्या करोगे आप साइड हो जाओगे तो उसको क्या कहेंगे उस एक्शन को कहते हैं डॉज करना मतलब उस सिचुएशन को अवॉइड करना या क्लेवरली आप क्या करो उस सिचुएशन से बच के अगर निकल जाओ तो वो सारे के सारे सिनेम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड सर्कमेंट ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स क्या होंगे आप समझो कोई सिचुएशन आई मैं उससे बच के निकल गई उसे अवॉइड कर दिया इसका ऑपोजिट क्या होगा मैंने उस सिचुएशन को फेस किया मैंने क्या किया उस सिचुएशन को कन्फ्रंट किया है ना कहीं ना कहीं फेस किया मीट किया यानी आप ये कह सकते हो कि मैंने उस सिचुएशन को टैकल किया या एनकाउंटर किया डर के अवॉइड करके भागी नहीं उस चीज से क्या किया उस चीज से डट कर सामना किया वो सारे के सारे एंटेनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड सर क्लियर है समझ आ गया सभी को चलिए सेंटेंस देखते हैं द बगलर ट्राई टू फाइंड अ वेमेंट द अलार्म सिस्टम यानी कहीं ना कहीं वो स्केप करने की कोशिश कर रहा था अलार्म सिस्टम को वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था जो भी रॉबर है जिसकी बात की जा रही है है ना तो सर्कमेंट यहाँ पे यूज हुआ इन द सेंस ऑफ टू अवॉइड दैट सिचुएशन उस सिचुएशन को अवॉइड करके अलार्म सिस्टर से बचते हुए वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा था और ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड सर्कमेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं and our next word is catapult. अब देखो ये तो कई बार बचपन में लोगों ने देखी भी होगी क्या कहते हैं इसको हिंदी में गुलेर कहते थे ऐसे करके एक वी शेप का होता था और उससे आप चीजों को क्या कर सकते थे थ्रो करते थे हिमपेल करते थे ये हो गया नाउन क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात करें बट यहां हम जिस कैटेपुलट की बात करें वो एक वर्ब है यानी हम किसकी बात करें हम एक्शन की बात करें टू लॉन्च और प्रोपेल समथिंग और समवन किसी चीज को लॉन्च करना है ना किसी चीज को लॉन्च करने की अगर आप बात कर रहे हो किसी पर्सन को लॉन्च करने की आप बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो तो आप कैटापुलट कर एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ तो स्पीच क्या हो जाएगा वर्ब याद रखना जब हम गुलेर वाले कैटापुलट की बात करें तो वो नाउन हो जाएगा यहां हम किसी चीज को या किसी पर्सन को है ना लॉन्च करने की अगर बात करें प्रोपेल करने की बात कर रहे हैं तो उसे हम कैटापुलट कहेंगे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे लॉन्च करना फ्लिंग करना या फिर प्रोपेल करना ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड कैटापुलट क्लियर है समझ आ गया चलो आगे बढ़ते हैं इसके एंटेनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके एंटेम्स हो जाएंगे रुक जाना टू स्टॉप समथिंग हॉल्ट होल्ड या कीप दैट मीन किसी चीज को रोक लेना टू थ्रो समथिंग टू इम्पेल समथिंग टू लॉन्च समथिंग इसके एंटेनिम क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे किसी चीज को रोक देना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो स्टॉप हो गया हॉल्ट हो गया होल्ड हो गया या कीप हो गया ये सारे के सारे एंटेनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड कैटाबोल्ट क्लियर है चलो सेंटेंस देखते हैं द कंपनी प्लान टू कैटापुल्ट इट्स विद अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन यानी कंपनी ने क्या प्लान किया है कंपनी ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगी अपने सेल्स डिपार्टमेंट को विद न्यू मार्केटिंग कैंपेन सेल्स में कहीं ना कहीं कह सकते हो पुश देखने के लिए सर्ज यानी इंक्रीज देखने के लिए उसने डिसाइड किया है कि वो सेल्स को कैसे ले जाएगी एक नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ लॉन्च करेगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैटेपुल टू लॉन्च के सेंस में यूज किया गया है क्लियर हो गई बात सेकेंड वर्ड भी समझ आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वर्ड इज लेगार्ड अब देखो ड वर्ड की बात करें तो हम इसे पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं किसी सिचुएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा जो बहुत ही आलसी हो या तो पर्सन के सेंस में या कह सकते हैं बहुत धीमे धीमे काम करने वाला है ना कि जितना हम काम चाहते हैं उस डिजायर्ड काम से उस एक्सपेक्टेड काम से बहुत ज्यादा धीमे है ना उसकी प्रोग्रेस कैसी है बहुत धीमे धीमे हो रही है समथिंग दैट इज स्लो और स्लगिश इन मूवमेंट और प्रोग्रेस या फिर स्लोअर देन डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड जो डिजायर्ड है जो एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज्यादा स्लो या बहुत ज्यादा स्लगिश इन मूवमेंट अगर बहुत धीमा तरीके से काम हो रहा है या प्रोग्रेस जो है वो बहुत धीमे धीमे हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम लेगार्ड कह सकते हैं ठीक है क्वालिफाई कर रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा एक्जेक्टिव आगे बढ़ते हैं की बात करें तो कोई ऐसी चीज जो स्लो है जो लैगिंग है, है पिछड़ गई है पोकी है या फिर स्लगिश है दैट मीन्स इन सभी का मतलब होता है कि एक्शन में काम में मूवमेंट में या प्रोग्रेस में कोई चीज कैसी है धीमी है बहुत ज्यादा अगर स्लो है तो उसे हम लगाड कह सकते हैं क्लियर है Antonyms देखते हैं कोई ऐसा काम जो बहुत तेजी से हो बहुत फास्ट हो, फास्ट फ्यूरियस के सेंस में कह सकते हैं है ना जो काम कैसे हो बहुत ज्यादा जल्दी हो उसका मूवमेंट बहुत क्विक हो तो उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे प्रॉम्प्ट जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था दो दिन पहले कि अगर आप चाहते हो कि सारा काम सही से हो जाए और उनका प्रॉम्प्ट रिप्लाई है प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत जल्दी फास्ट हो कोई काम है ना मूवमेंट फास्ट हो तो उसके लिए प्रॉम्प्ट वर्ड का यूज करते हैं कोई काम बहुत स्विफ्ट हो यानी स्मूदली हो जाए और जल्दी हो जाए उसमें कोई इम्पेडमेंट बाधा ना है कोई काम धीमे धीमे हो रहा है मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या आ रही कोई ना कोई रुकावट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही और काम स्विफ्टली हो रहा है यानी स्मूदली हो रहा है बिना किसी दिक्कत के एजाइल एक्टिव एंड रैपिड ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे ये सारे के सारे हो जाएंगे एंटे ऑफ द वर्ड लेगार्ड जिसका मतलब होता है काम को धीमे तरीके से करना उसके एंटीज हो जाएंगे काम को स्पीड अप करना सेंटेंस देखते हैं द लेगार्ड प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी डिसडवाज कंपेयर टू देर कॉम्पिटिटर्स यानी कंपनी का जो प्रोसेस वो कैसा है बहुत ही लगाड है वो बहुत ही स्लो है और वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही इसलिए वो क्या हो रही है इसलिए वो पीछे हुई जा रही है बहुत ज्यादा पीछे हो गई है किससे? अपने कॉम्पिटिटर्स से उसके कॉम्पिटिटर्स उससे आगे निकल गए क्यों क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो प्रॉम्प्ट है, उनकी स्पीड क्या है वो काफी ज्यादा एक्टिव है रैपिड है लेकिन जो कंपनी है उसका प्रोग्रेस लेगार्ड है दैट मींस वो धीमे धीमे काम करती है और इसलिए वो पिछड़ चुकी है ठीक है क्लियर हो गई बात चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड वी का मतलब क्या होता है किसी को भड़काना है ना कहते हैं ना किसी सिचुएशन में कुछ ऊपर नीचे चला और सामने वाले को क्या कर दिया और ज्यादा भड़का दिया जिसकी वजह से वो क्या आ गया और ज्यादा गुस्से में आ गया और ज्यादा फ्यूरियस हो गया तो उसे क्या कहेंगे फोमेंट इंस्टिगेट करना किसी को या कोई स्टरअप करना स्टिरप यानी कोई किसी का सेंटिमेंट है और उसे और ज्यादा उकसा देना इसे क्या कहेंगे इन सभी को कहेंगे फोमेंट करना सामने वाले को आपने इंस्टिगेट किया उकसाया या भड़का दिया तो उसे हम फोमेंट कह सकते हैं स्वेन क्या हो जाएंगे किसी को प्रवोक करना इंसाइट करना या ट्रिगर करना कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्ड्स अगर आप देखोगे तो किस टोन में जा रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव टोन में जा रहे हैं जिसका मतलब है आप सामने वाले को भड़का रहे हो गुस्सा दिला रहे हो या सिचुएशन को और खराब करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे बड़े अच्छे और प्यारे एंटेनिम्स होंगे इसके इसका मतलब होगा किसी सिचुएशन को शांत करना उसे काम डाउन करना उसे टोन डाउन करना किसी चीज को सीज करना यानी स्टॉप कर देना अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसे शांत करना पैसिफाई करना पैसिफाई का मतलब होता है मनाना तो कहीं ना कहीं शांत करना सिचुएशन को डीप करना अब देखो डीप्रेस मत लिखना है ना डीप अगर आप नहीं भी लिखोगे तो सही है डिप्रेस यहाँ पे डीप का मतलब होता है कहीं ना कहीं धीमा करना कम करने की बात की जा रही है है ना या कंस्ट्रेन करना रोक के रखना ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे एंटेनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड फोमेंट आगे देखते हैं सेंटेंस की अगर बात करें तो डिस्पाइट पॉपुलर बिलीव है ना बहुत सारे लोगों के अलग, अलग अलग बिलीव हैं द पुलिस आर हेयर टू की लोग अलग अलग मानते हैं कि पुलिस ऐसी है या वैसी है लेकिन पुलिस का यहाँ पे काम है लोगों को शांत करना उनको उकसाना नहीं पुलिस का काम क्या है यहां पे लोगों को शांत करने का काम है उकसाने का काम नहीं है क्लियर हो गई समझ आ गई सभी को वो कोई डाउट नहीं चलिए वेरी गुड वेरी वेल डन और अब हम बढ़ेंगे हमारे टेस्ट योर नॉलेज के सेक्शन की तरफ वेल आई बी आस्किंग लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग टू मी जल्दी से सभी के सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे लेट्स बिगिन शाल बी बिगिन जल्दी से बता देंगे ऑल ऑफ यू और लिख देंगे लेट्स बिगिन और ये रहा हमारा फर्स्ट एंटनेम बताइए क्या होगा एंटेम ऑफ द वर्ड यूफोरिया जल्दी से बताएंगे सभी क्या होगा एंटेनेम ऑफ द वर्ड यूफोरिया मेलेनकली एंथजिया नोस्टेलजिया या फिर रैप्चर जल्दी से आंसर करेंगे सभी की सभी चले तो देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट दैट इज मेलकली अगर हम यूफोरिया वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं या एक्साइटमेंट को और हम क्या कह सकते हैं एक्सर्बिटेंट कह सकते हैं जॉयस कह सकते हैं एंथुजियास्टिक कह सकते हैं हैप्पीनेस तो कह ही सकते हैं जॉय जील ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे सिनोनिमस हो जाएंगे टू द वर्ड यूफोरिया मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मेलिन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में है बहुत ज्यादा दुख में है बहुत ज्यादा ग्लूमी सी सिचुएशन है परेशान है दुखी है तो सैडनेस या अनप्लीजेंस सिचुएशन के लिए आप मेलिन वर्ड का यूज करते हैं है, है ना अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो कहते हैं ना हीन कली की नेचर यानी काफी उदास उदास सा रहता है है ना तो सैडनेस की जब भी हम बात करते हैं या सिचुएशन में डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम मेलिन कली वर्ड का यूज करते हैं यूफोरिया का मतलब खुशी और मेलिन कली का मतलब दुख तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और जितने भी लोगों ने फर्स्ट मार्क किया है दे ऑल आर एब्सोल्यूटली करेक्ट वेरी वेल डन चलिए नेक्स्ट बताइए वॉट विल बी द एंटेनेम ऑफ द वर्ड रेपिडेट रेपिडीएट वर्ड का एंटेनेम क्या हो जाएगा उट ऑफ दिल बी दर्ड रेप देखो रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है किसी चीज को क्या कर देना रिजेक्ट कर देना या डिस ओन कर देना उससे अपना रिश्ता नाता क्या कर लेना? तोड़ लेना कहीं ना कहीं कह सकते हो इंटरेक्शन एंड कर देना या उस चीज को क्लियरली डिनाई कर देना रिजेक्ट कर देना है ना कि अब इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्नॉलेज करना एक्नॉलेज का मतलब होता है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो आप क्या करो किसी चीज़ को रिकोगनाइज कर रहे हो दैट मीनस मैं इस चीज़ को पहचानता भी हूँ और इससे मेरा रिलेशन है भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट समझना रेपिडिएट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को आपने क्या कर दिया किसी चीज़ को आपने रिजेक्ट कर दिया और एक्नॉलेज का मतलब हो जाएगा आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया ठीक है तो क्लियरली दिख रहा है कि रेपिडिएट वर्ड का एंटेनिम क्या हो जाएगा रेपिडिएट वर्ड का एंटेनिम हो जाएगा फर्स्ट दैट इज एक् ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए वॉट विल बी दिनेम ऑफ द वर्ड एप्स चूस एप्स चूस वर्ड का सिनेम क्या होगा बिट डिफिकल्ट बट सोचो सिंपल ल्यूसिड क्रिप्टिक या फिर ऑब्वियस जल्दी से बताओ क्या होगा द करेक्ट सिनेम ऑफ द वर्ड एप्स चूज जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी चल तो देखते हैं क्या है द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है दैट आई नो ठीक है क्रिप्टिक हो जाएगा द करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं एप्स चूज की तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे समझना आसान नहीं है कोई चीज काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव जिसको समझना कॉम्प्रिहेंड करना इजी नहीं होगा ठीक है और पूछा क्या था पूछा था synonym. तो वो हो जाएगा क्रिप्टिव जिसका मतलब ये होता है कि आप उसके मीनिंग को ईजिली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो मीनिंग कैसा है ऑब्सक्योर है हिडन है मिस्टीरियस है समथिंग दैट इज अंडर कवर है ना अंडर कवर का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो मिस्टीरियस है जिसे समझना ईजी नहीं है उसके अलावा अगर हम बात करें सिंपल की ल्यूसिड की या ऑबियस की तो इसमें से कौन से ऐसे हैं जो एंटेनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड एप ये आपको बताना है ये भी बताइए कि एंटेम कौन से हो जाएंगे देखो मैंने वर्ड का मतलब बता दिया कोई ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो है ना और कोई चीज समझना आसान हो ये हो जाएगा उसका एंटनिम चलो क्रिप्टिक वर्ड का मतलब समझ आ गया क्रिप्टिव हो चाहे एप्स्यूस हो दोनों का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे समझना इंटरप्रेट करना कॉम्प्रिहेंड करना क्या हो मुश्किल हो तो थर्ड दैट इज क्रिप्टिक विल बी द करेक्ट सिनेम ऑफ द वर्ड एपस्टू चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्या होगा जल्दी से बताओ अ वेरी कॉमन वर्ड सैंगुविन पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक मेलेन या फिर चिस्ट क्या होगा द करेक्ट सिनेम ऑफ द वर्ड सेंगुविन जल्दी से बता देंगे और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ऑल ऑफ यू आई एल रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स की भाई देखो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को एवरी वन चलिए तो देखते हैं क्या है द करेक्ट सिनेम ऑफ द वर्ड वर्ड की बात करूं काफी ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है इसका मतलब है कि आप कैसे हैं ऑप्टिमिस्टिक है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हर चीज की तरफ आपका एक पॉजिटिव आउटलुक है हर चीज को देख के आप क्या सोचते हैं आप पॉजिटिविटी है आपके अंदर आती है आपका बिहेवियर कैसा है बहुत पॉजिटिव है।, है ना आप चीजों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं अगर मैं पेसिमिस्ट की बात करूं तो इसका मतलब होता है चीजों के लिए नेगेटिव अप्रोच रखना हर चीज को देखिए वर्ड सैंग्विन दैट मींस चीजों को देखने का नजरिया जो है आपका वो कैसा है बहुत ही पॉजिटिव है और ये लाइफ में भी होना चाहिए है ना आपको चीजों को कभी भी देखे चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो आपको उसमें से हमेशा पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए क्यों क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपको हेल्प करेगी उस डिफिकल्ट सिचुएशन को सेल थ्रू करने में आप उस सिचुएशन को पास कर सकें ईजिली उससे सेल थ्रू कर सके इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच कैसा हो पॉजिटिव हो और ऑप्टिमिस्टिक हो और जैसे भी लोग हैं जो भी लोग हैं जिनकी अप्रोच पेसिमिस्टिक है उनसे आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव सोचेंगे ही आपको भी नेगेटिविटी की तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और ये चीजें अच्छी नहीं है आपके गोल आपके एम्बिशन के लिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं मूविंग टू एंड फ्रेजे हेयर कम्स द फर्स्ट क्या मतलब होगा बाकिंग अप द रोंग ट्री का क्या मतलब होगा जल्दी से बताइए टू स्टार्ट अ फाइंड unnecessarily to blame someone for something they didn't do, to make a wrong assumption about something, ya फिर to speak loudly and angrily, kya matlab hoga Barking up the wrong tree, मताओ भाई। देखो idiomatic phrases कितना ज्यादा help करते हैं, वरना bark करना तो generally dog की खासियत होती है, है ना? Bark तो वैसे पेड़ भी, पेड़ की जो कह सकते हो स्ट्रेंथ होती हो, उसके लिए भी हम bark word का use करते हैं, but barking up the wrong tree, क्या मतलब होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड टू मेक अ रॉन्ग अजम्पन अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में कुछ गलत सोचना या उसके लिए कैसा अजम्पशन लगाना गलत लगाना कुछ गलत चीज अज्यूम कर लेना कुछ गलत चीजें प्रिडिक्ट कर लेना इज बाकिंग अप द रोंग ट्रियोर थर्ड इज द करेक्ट आंसर एन आई नो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर सही हुआ है वेरी वेल डन चलिए आगे बढ़ते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट रीडियम वी होगा लॉर्ड ऑफ मनी समथिंग दैट इज वेरी रेयर समथिंग वेरी चीप एंड कॉमन समथिंग दैट इज वैल्यूएबल प्रेशियस हार्ड टू फाइंड जल्दी से बताओ डाइम अ डजन क्या मतलब होता है जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी का क्या मतलब होगा चलिए देखते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड डाइम आ डन यानी बहुत कम में बहुत सारा कोई ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है बहुत ऑर्डिनरी है बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है कोई ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है और बहुत कॉमन है उसके लिए हम यूज करते हैं और थर्ड इज द करेक्ट आंसर चल बट ए वन वर्ड सब्सिट्यूशन पे और देखो एक आंसर तो रह गया दैट मीन्स इसका आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कोई नहीं देखते हैं क्या है फर्स्ट इट सेज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बताइए क्या कहेंगे उसे जल्दी से बताएंगे वट विल बी वर्ड दब्स्टिट्यूशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ पोम्स जल्दी से बताएंगे सभी के सभी आंसर करेंगे एवरी वन उसे कहेंगे एंथोलॉजी ठीक है जब भी पोम्स की कलेक्शन की हम बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं एंथोलॉजी तो पोइंस के कलेक्शन को कहते हैं एन एंथोलॉजी ऑफ पोम्स ठीक है नेक्स्ट बताइए वॉट विल बी कॉल्ड द फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग है ना ये तो भाई बहुत सारे लोगों को होता है ये डर तो बहुत सारे लोगों को होता है बचपन में भी बहुत सारे लोगों को होता था कि जब बिजली कड़कती थी, थी ना तो बहुत ज्यादा डर लगता था शिवर करते थे और ऐसी जगह जाके बैठते थे जहां पे सभी लोग हों है ना ऐसी जगह जाके बैठते थे जहां सभी लोग हों ऐसी जगह नहीं बैठते थे जहां अकेले रहना पड़े तो फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग जो होता है उसे क्या कहेंगे उसे कहते हैं एस्ट्रोफोबिया क्या कहेंगे एस्ट्रेफोबिया जो बाद वाला ए है वो स्लाइटली कम प्रोनाउंस होगा एस्ट्रेफोबिया फेयर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग नेक्स्ट बताओ अ फिल्म और बुक अबाउट ट्रैवलिंग टू और इन अ पर्टिकुलर प्लेस किसी जगह के बारे में या फिर किसी ट्रैवलिंग कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो उसके बारे में कोई फिल्म बने या कोई बुक बने तो उसे पर्टिकुलरली क्या कहते हैं बताओ एवरी वन कोई फिल्म या बुक जो ट्रैवलिंग के बारे में हो या किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड हो उसे कहते हैं हम ट्रैवलॉग उसे क्या कहते हैं ट्रैवलॉग अब देखो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो वर्ड लिखा है आप बताओ कि क्या होगा इसका मीनिंग इन कॉरिजिबल क्या मतलब होगा इन कॉरिजिबल का मीनिंग क्या होगा है ना One word, substitution हम करते हैं, बट इसका अगर आपको मीनिंग बताना हो तो वो हो जाएगा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड है ना कोई ऐसा इंसान जिसकी कुछ बुरी आदतें हैं और उन्हें कुछ भी करके सुधारा नहीं जा सकता दैट आर इनकरेजिबल है ना जिसको कभी भी आप करेक्ट नहीं कर सकते हो एक बार रिवाइज करेंगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट को कहते हैं हम एंथोलॉजी थंडर और लाइटनिंग के डर को हम कहेंगे एस्ट्राफोबिया फिल्म या बुक जो ट्रैवलिंग के बारे में हो या किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हो वो हो जाएगी ट्रैवल लॉग और कुछ ऐसा या कोई ऐसा पर्सन जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे कहेंगे हम इनकरेजबल क्लियर है समझ आ गया सभी को चलो स्कोर्स बता देंगे आउट ऑफ टेन ऑल ऑफ यू जल्दी से स्कोर्स बता देंगे सभी के सभी चलिए तो बढ़ते हैं हम आज के हमारे हिंदू के एडिटोरियल टॉपिक पे जो कहता है ओल्ड फ्रेंड यानी पुराने दोस्त हैं कौन दोस्त है भाई रशिया और इंडिया के लिए यूज किया गया है कि रशिया और इंडिया पुराने दोस्त हैं क्यों क्योंकि इनके रिश्ते बहुत लंबे समय से चले आ रहे स्पेशली ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबे टाइम से चलता चला आ रहा है और रशिया इंडिया बाइलेट्रल ट्राइज बाय का मतलब होता है दो बायलैट्रल का मतलब होता है दो कंट्रीज या दो गवर्नमेंट के बीच तो दो देशों के बीच यानी रशिया और इंडिया के बीच के जो तो रिश्ते हैं वो कैसे हैं बहुत पुराने हैं और अब इसमें क्या आ गया है यूक्रेन का इश्यू आ गया है भाई देखो अगर रशिया बोला गया है तो यूक्रेन तो आना ही चाहिए ना आखिर इतने लंबे टाइम से वॉर चल रही है लास्ट ईयर फेप से वॉर चल रही है समझो है ना तो अब ये मुद्दा ही मुद्दा है हर जगह वाइल्ड स्ट्रेंदनिंग टाइज विद रशिया जब हम रशिया के साथ अपने क्या करें रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं इंडिया मस्ट मेक इट स्टैंड अगेंस्ट क्लियर यानी इंडिया को अब स्टैंड लेने की जरूरत है अब बता दो भाई कि जो वॉर है रशिया और यूक्रेन की उस पर आपका क्या स्टैंड है इंडिया का क्या स्टैंड है है न कहीं न कहीं हमने इससे पहले जो आर्टिकल पढ़ा था वो भी इससे रिलेटेड था इफ यू रिमेंबर न्यूट्रल बट नॉट पैसिव इंडिया न्यूट्रल है लेकिन पैसिव नहीं है ऐसा नहीं है कि इंडिया का खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है स्टैंड है तो इट्स टाइम कि इंडिया अपना स्टैंड क्लियर करे कि उसका क्या स्टैंड है और की आर्टिकल की तरव, देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल ग्रोइंग एंड बैलेंसिंग इंडिया रशिया ट्रेड टाइज डोमिनेटेड द एजेंडा ऑफ रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैं इंडिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरलिश कॉरपोरेशन मीट ही चेयर विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर यानी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया और रशिया के जो ट्रेड टाइज है यानी जो व्यापार के रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेट करें और इसी के

दे अक्लेम यानी उन्होंने काफी ज्यादा इस बात को सराहाया कि सर्ज करा यानी सर्ज मतलब इंक्रीमेंट हुआ है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है बायोलैटुरल ट्रेड में यानी इंडिया और रशिया के जो ट्रेड है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उसमें बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला है सर्च का मतलब इंक्रीज या राइज देखने को मिला है इस बात को उन्होंने काफी ज्यादा क्या किया देर वेरी प्राउड ऑफ इट है ना कितना बढ़ा है टू पॉइंट सिक्स टाइम्स बढ़ा है पिछले साल से पिछले साल से टू पॉइंट सिक्स टाइम्स बढ़ गया है इंडिया और रशिया का ट्रेड और जो कि कितना है फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर्स के आसपास है और इसने क्या किया दो हजार पच्चीस का जो टारगेट था उसे सरपास कर दिया मतलब दो हजार पच्चीस का जो टारगेट था उससे भी आगे निकल गया है जो ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में हुआ Both sides, दोनों ही sides ने नोट की द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड इंबैलेंस दोनों ही ने कहा कि की है. Access, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट एक्सेस होगा उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा है ना और उन्होंने कहा यूज ऑफ नेशनल करेंसीज हम नेशनल करेंसीज करें का यूज करेंगे टू सरकमेंट सैंक्शन अब सभी को बताए कि वेस्टर्न सैक्शन यानी यूएस और बाकी जो सैंक्शन लगे हैं रशिया पे इसको अवॉइड करने के लिए सर्कमेंट अवॉइड करने के लिए इन सारे सैक्शन को हम किसका यूज करेंगे नेशनल करेंसीज का यूज करेंगे यानी डॉलर का यूज ही नहीं करेंगे मिस्टर सजेस्टेड दैट इंडियन कंपनीज कुड इंक्रीज कुपोर्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी उन्होंने ये कहा मिस्टर ने कहा कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकती हैं किसमें रोड कंस्ट्रक्शन में और फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की समरी की अगर मैं बात करूं तो वो ये हो जाएगा कि इंडिया और रशिया के रिश्ते बेहतर करने के लिए वहां के जो डेप्टी पी एम है वो इंडिया आए और उन्होंने कहा कि बहुत जरूरत है कि इंडिया और रशिया के बीच का जो ट्रेड है वो और ज्यादा बढ़े उनके रिश्ते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अगर पिछले साल से बात करें तो 2.6 टाइम्स जो ट्रेड है वो बढ़ गया है जो कि काफी अच्छी बात है लेकिन अभी भी ट्रेड इम्बेलेंस है जो और ज्यादा बढ़ सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में फार्मास्यूटिकल्स में इन सारी फील्ड में तो ये पूरी बात हुई आगे देखते हैं देन इट मिस्टर जय जयशंकर सेड दैट इंडियन बिजनेस शुड गार्ड अगेंस्ट ओवर कंप्लायंस वेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग ट्रेड विद रशिया यानी कहीं ना कहीं ये जो रिस्क uh, है इसे क्या करें हम ओवरकम करें गार्ड अगेंस्ट यानी बचाएं इस रिस्क से इंडिया के बिजनेस को भी बचाएं इस रिस्क से जब ट्रेड की बात आती है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न सैंक्शन जो लगे हैं जो पेनाल्टी सैंक्शंस मतलब जो पेनल्टी लगी है रशिया पे उसकी वजह से रशिया का ट्रेड इफेक्ट हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर जयशंकर कहना था कि इंडियन बिजनेस इससे इफेक्ट ना हो इसकी कोशिश की जाए दे ऑल्सो रेफर टू प्रोग्रेस उन्होंने बात की प्रोग्रेस की इन नेगोसिएशन फॉर एन एफ जो चल रहा है इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में और ये लॉन्च हुआ था दो में ठीक है अगर इसको साइन कर दिया जाए तो ये भी कैटापुलट करेगा ट्रेड को कैटापुलट करेगा इसका मतलब है जो ट्रेड है उसे क्या करेगा बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा लॉन्च करेगा बढ़ाएगा ट्रेड को जो कि अभी तक लेगाट था यानी जो अभी तक रिश्ते धीमे धीमे चल रहे थे जिसकी वजह से बाकी जो ट्रेड है और बाकी फील्ड है वो धीमे धीमे चल रही थी काफी लगाट थी काफी स्लो थी स्लगिश थी उनमें बहुत ही ज्यादा जंप उछाल या इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ठीक है और इसको क्या कहा उन्होंने अभी तक ये किस में था सिर्फ तीन फील्ड में था डिफेंस में था न्यूक्लियर में था और स्पेस कॉपरेशन में था अब उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाओ रोड कंस्ट्रक्शन में भी लाओ फार्मास्यूटिकल्स में भी लाओ ट्रेड और ज्यादा बढ़ाओ ताकि इंडिया रशिया में कहीं ना कहीं ये कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल सके ट्रेड के जो रिश्ते हैं जो बायोलिट्रल ट्राइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंद यानी कि स्ट्रांग हो सके क्लियर है इतनी बात चलो आगे देखते हैं इम्पेटस इ ट्रेड जो फोर्स है इम्पेटस मतलब जो पुष है ट्रेड में एंड द एफ टू बैलेंस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट विद एन इम्पोर्टेंट पार्टनर रशियाम इंडिया तो पूरी तरीके से वेलकम करता है रशिया का जब भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स और ट्रेड की बात आती है इट इज हार्ड टू इग्नोर द सर्कमस्टांस सराउंडिंग दीज डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट तो हो रहे हैं लेकिन आस पास की जो सिचुएशन है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्या सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं वॉर चलिए रशिया यूक्रेन की यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को है ना जो मिलिट्री टूब्स भी अब तो उसने भेजने की बात करी है और भेज भी दिए है है ना यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और उस उसपे सैंक्शन लगाए हैं रशिया पे तो ये सारी बातें जो आप कह सकते हो इंटरनेशनली चल रही है जो सिचुएशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता सिंस रशिया वॉर इन यूक्रेन बिगेन लास्ट ईयर जो पिछले साल शुरू हुई रशिया ने किस पे अटैक किया यूक्रेन पे किया पिछले साल और जो वेस्टर्न सेंशन हुए यानी जो यूएस ने पेनल्टी लगाई रशिया के एक्सपोर्ट को कम करने के लिए मॉस्को जहां जहां मॉस्को लिखा है उसका मतलब क्या है उसका मतलब है रशिया देखो ये समझ लो जहां जहां मॉस्को लिखा है उसका मतलब क्या होगा रशिया जहां जहां दिल्ली लिखा होगा वहां मतलब होगा इंडिया कैपिटल की जब भी बात करते हैं वो पूरे कंट्री को डिनोट करता है मॉस्को हैज टर्न इंक्रीजिंगली टू इंडिया यानी रशिया ने इंडिया की तरफ दुख किया है और कुछ और कंट्रीज जिसमें चाइना भी है क्यों किया है क्योंकि इन्होंने सैक्शन में यानी पेनल्टी पीनलाइज करने में कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया था क्योंकि इंडिया ने तो ये कह दिया था कि भाई मैं किसी के साथ नहीं हूँ मैं रशिया के खिलाफ वोट नहीं करूँगा और सिमिलरली चाइना में भी नहीं किया तो कहीं ना कहीं अब रशिया क्या, क्या कर रहा है रशिया के लिए इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और इसीलिए वो अपने रिश्ते इंडिया के साथ मजबूत करना चाह रहे हैं इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट इंडिया जो ऑयल इम्पोर्ट करता है रशिया से जो कि पहले कितना था जीरो पॉइंट टू परसेंट था ना के बराबर नेग्लिजिबल ना के बराबर था जीरो पॉइंट टू परसेंट था अब वो जम्प कर गया है अब वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है सिंस द वॉर टू अवेंटी एट परसेंट ऑफ इट्स टोटल ऑयल इंटेक अब जो इंडिया में ऑयल इंटेक है उसका लगभग अट्ठाईस परसेंट तो भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया कहां पहले ना के बराबर था जीरो पॉइंट टू परसेंट हो अब कितना हो गया ट्वेंटी एट परसेंट हो गया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ट्रेड एज वेल एज अ ग्रोइंग डेफिसिट यानी जिस चीज की डेफिसिट कमी थी वो भी बढ़ रही है और ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें चलिए बढ़ते हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ से वाइल द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर्स एक्यूजेशन दैट इंडिया हैज ब्लड ऑन इट्स हैंड बाय बाइंग रशियन ऑयल इज ओवर स्टेटिंग द केस द इम्प्रेशन दैट न्यू डेली इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वॉर इज गेनिंग ट्रैक्शन इन वेस्टर्न कंट्रीज विच मस्ट बी नोटेड आगे समझते हैं कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इल्जाम लगाया है इंडिया पे क्या इल्जाम लगाया है कि आप क्या कर रहे हो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि यूक्रेन का खून बह रहा है क्यों क्योंकि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो जिससे रशिया को क्या हो रहा है रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो रशिया से ऑयल खरीद रहे हो रशिया को प्रॉफिट हो रहा है पैसा मिल रहा है उससे वो क्या कर रहा है आर्म्स खरीद रहा है और यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ इंडिया हुआ ऐसा कौन कह रहा है ऐसा यूक्रेन कह रहा है ठीक है और ये जो इंप्रेशन है जो पूरा आइडिया है कि न्यू डेली यानी इंडिया को इस वॉर से फायदा हो रहा है ये बहुत ज्यादा ट्रैक्शन यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात बहुत पॉपुलराइज हो रही है कि इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले रहा क्योंकि इंडिया को इस वॉर से फायदा हो रहा है भाई यूक्रेन के भी मिनिस्टर आ रहे हैं रशिया के भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं बातचीत हो रही है सारी चीजें हो रही है इंडिया को फायदा हो रहा है ये बात आगे बढ़ रही है और इस बात पे ध्यान इसलिए देना जरूरी है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है वो बहुत जल्द जापान की ऑस्ट्रेलिया की यूएस की फ्रांस की विजिट पे जाने वाले हैं उसके अलावा वो वेलकम करेंगे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जी को फॉर द एस समिट इन डेली जो समिट होने वाली है डेली में उसके लिए वो उन्हें वेलकम करेंगे जुलाई में मिस्टर जयशंकर कंटेंशन अब इनका कंटेंशन यानी इनका जो इशू इनकी जो प्रॉब्लम है कि इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो स्टीडियस्ट हैं ऑफ़ द मेजर रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे स्टीडियस्ट है स्टीडियस कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि बहुत ही ज़्यादा पक्के रिलेशनशिप्स हैं इस वक्त जब दुनिया में ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है ग्लोबल टर्मोइल यानी हर जगह उथल पुथल मच आप देखिए हर किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी हर जगह टर्मोइल है।, है ना चाहे आप फिनेंस की बात कर लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर लो या कह लो ओवरऑल सिचुएशन की बात करो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है एंड शिफ्टिंग अलायसेज है वो बदल रही है कभी कोई कंट्री किसी के साथ अलायंस कर रहा है कभी किसी और के साथ कर रहा है तो ये सिचुएशन कभी भी बदल सकती है हर एक कंट्री में एंड प्रोवाइड्स प्रोवाइड बेसिस फॉर द वॉर्म वेलकम टू मिस्टर मैं लेकिन फिर भी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया खुले हाथों से रशिया को वेलकम कर रहा है वट इज हार्डर टू एक्सप्लेन इज दैट नो पब्लिक कमेंट लेकिन एक बात है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो ये है कि जब मिस्टर <coughs> यानी रशिया से इंडिया आए तो इंडिया में कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं किया गया है ना कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया गया कि क्या रीजन है इस टर्मोइल का इस इश्यू का क्या रीजन है या ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा है पूरी दुनिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा है कि इंडिया कोई स्टैंड को नहीं ले रहा उसके अलावा मॉस्को यानी रशिया का जो डिसीजन है कि वो अटैक उसने किया किस पे अपने नेबर यानी यूक्रेन पे एंड द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस दैट हैज कंटिन्यूड फॉर ओवर एन ईयर यानी एक साल से लगातार जो अटैक और वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में उस पर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया ठीक है ओवरऑल देखो मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल किस बारे में था पहले हमने बात करी कि कैसे रशिया के जो डेप्यूटी पीएम है वो इंडिया है उन्होंने अलग अलग ट्रेड और बायोलिट्रल रिलेशन सेंशन लेकिन वो चाहता है, कि इसका जो है यानी असर है वो उस पर ना के बराबर हो इसीलिए उसने कहा कि नेशनल करेंसी का यूज करना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा अब जो सैंक्शन लगे उसमें काफी सारी कंट्रीज जो थी किसके अगेंस्ट थी रशिया के अगेंस्ट थी लेकिन इंडिया और चाइना ने कोई भी वोट नहीं किया क्लियरली उसने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं इसीलिए रशिया अब एक कह सकते हो हैंड आगे बढ़ा रहा है इंडिया की तरफ चाइना की तरफ ऐसी कंट्रीज की तरफ जहां से उसे बेनिफिट हो सकता है और इंडिया ने भी बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है आफ्टर दिस पीरियड जो कि लगभग ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट परसेंट हो गया है ओवरऑल अगर हम सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्लोबल टर्मोइल की सिचुएशन बड़ी बनी हुई है जब तक ये वॉर नहीं रुकेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है खैर उम्मीद तो कम है लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीज का भी यह कहना है कि ये वॉर रुक जानी चाहिए ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ सके और आने वाले टाइम में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस पे बाकी कंट्रीज का क्या स्टैंड है और इवेंचुअली कब तक ये वॉर चलने वाली है आई होप एंड प्रे क्या आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा बट ए हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ एंड द टू वर्ड्स आर आई एम गिविंग यू फॉर टूडे होमवर्क आर फ्लॉग एंड डिमाइस ये दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग उसके साथ साथ अगर कोई डाउट और क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व दैट हम मिलेंगे ऑन मंडे फिर से ठीक साढ़े सात बजे टेलिंग टेक केयर थैंक यू एवरी वन सब्सक्राइब न एंड प्रेस दर ने मिस एन अपडेट